मैं कोई भी टेम्पो में इसको प्ले करूं, ये 7/4 धीरे 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 इसका टेम्पो बढ़ेगा, लेकिन ये फिर भी सिंक्ड रहेगा, और धीरे धीरे 3/4 का भी टेम्पो बढ़ेगा, ये फिर भी सिंक्ड रहेगा। हैव अ लिसन। 130 पे शुरू हुआ था शायद, धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी कम हो गया, 126 से शुरू हुआ था, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले मैंने दो शॉर्ट्स अपलोड किए थे जहां पे मैंने ये दिखाया था कि कैसे आप एफएल स्टूडियो में टाइम सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं और टेम्पो को चेंज कर सकते हैं, और अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई भी ऑडियो फाइल है तो कैसे आप ऑडियो फाइल्स सिंक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद मुझे कई सारे रिक्वेस्ट मिले कि इसके ऊपर एक बड़ा ट्यूटोरियल बनाया जाए। सो हियर इट इज, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आप एफएल स्टूडियो में टाइम सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं, टेम्पो को चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई मीडी फाइल्स हैं तो ये ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है, लेकिन अगर ऑडियो फाइल्स हैं तो कैसे आप उसको सिंक कर सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज रॉय फ्रॉम स्टूडियो 9 म्यूजिक प्रोडक्शन, और आप देख रहे हैं एफएल स्टूडियो एडवांस्ड ट्यूटोरियल्स। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नया हैं तो चैनल को चेकआउट करना मत भूलिए। पे एफएल स्टूडियो, स्टूडियो वन, क्यूबेस, डीडब्ल्यूज हैं, या फिर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, सॉन्ग अरेंजमेंट, म्यूजिक थ्योरी, कीबोर्ड प्लेइंग के ऊपर कई सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड किए जाते हैं। इफ यू आर अ म्यूजिशियन, आई थिंक यू विल लव दिस चैनल। टाइम सिग्नेचर और टेम्पो क्या है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इंडियन वेस्टर्न टाइम सिग्नेचर क्या होता है, कैसे इसको यूज किया जाता है, वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन ये वाले वीडियो में कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टाइम सिग्नेचर, जिसका इंडियन काउंटर पार्ट है ताल, हम वेस्टर्न सिस्टम में 4/4, 3/4, 5/4, 7/4 इसमें लिखते हैं, और इंडियन सिस्टम में हम इसको कहरवा, दादरा, रूपक ताल, झांप ताल ऐसे नाम से पुकारते हैं। ये मेनली ठीक करता है गाने का जो रिदम है वो कैसा रहे। टेम्पो ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि ये डिसाइड करता है कि आपका गाना कितना फास्ट या फिर कितना स्लो है। ये मेजर होता है बीपीएम में, जो आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। टेम्पो का जो इंडियन काउंटर पार्ट है उसको बोला जाता है लय। अभी जनरली टाइम सिग्नेचर चेंज हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ जॉनर्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे गाने मिल जाएंगे जहाँ पे टाइम सिग्नेचर चेंज होता है। इंडियन म्यूजिक में इसका एग्जाम्पल तो कम है, लेकिन कुछ कुछ गाने ऐसे हैं जहाँ पे टाइम सिग्नेचर चेंज हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था दिल ही दिल में। इसका म्यूजिक डायरेक्टर है ए आर रहमान सर, और यहाँ पे एक गाना है चांद आया है जमी पे। ये जो गाना है यहाँ पे टाइम सिग्नेचर चेंज होता है, अगर आप सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि बीच में जाके टाइम सिग्नेचर चेंज हो जाता है। टेम्पो चेंजिंग इज अ वेरी वेरी फ्रिक्वेंट थिंग। बहुत सारे गाने ऐसे हैं, इंडियन जॉनर्स ऐसे हैं, कव्वाली, ख्याल, जहाँ पे धीरे धीरे टेम्पो इंक्रीज होने लगता है। अगर आप बॉलीवुड गाने में भी देखते हैं, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जहाँ पे धीरे धीरे लास्ट में जाके टेम्पो जो है वो इंक्रीज होने लगता है। तो इस चीज को अगर आपको मिमिक करना है तो आपको कैसे करना है वो पहले हम लोग देखते हैं एफएल स्टूडियो। ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ इंडियन लूप्स यूज करने का, तो यहाँ पे मैं तबला लूप्स यूज करके मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, क्योंकि ड्रम्स के ऊपर या वेस्टर्न म्यूजिक के ऊपर कई सारे वीडियोज हैं यूट्यूब में, लेकिन इंडियन म्यूजिक के ऊपर बहुत कम वीडियोज हैं, और इंडियन म्यूजिक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न म्यूजिक। तो मेरे चैनल में मैं यही कोशिश करता हूँ कि दोनों में एक बैलेंस बना रहे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक 7/4 जो कि रूपक ताल है इंडियन सिस्टम में, उसको मैं यहाँ पे ट्रैक करता हूँ, लेकिन ये जो रिदम है इसका टेम्पो भी मैच नहीं कर रहा है, और इसका जो टाइम सिग्नेचर है वो भी मैच नहीं कर रहा है, तो मेट्रोनोम के साथ ये अभी बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। प्ले करता हूँ, आप सुन सकते हैं कि टेम्पो के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसको अगर मुझे सिंक करना है तो सबसे पहले मुझे टाइम सिग्नेचर चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद टेम्पो सिंक करना पड़ेगा। टाइम सिग्नेचर को चेंज करने के लिए आपको जाना है ऑप्शंस में, प्रोजेक्ट जनरल सेटिंग्स में आप जा सकते हैं, और यहाँ पे 7/4 आप कर सकते हैं। 7/4 में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आप देखिए 1 से लेके 2 के बीच में टोटल 7 बीट्स हैं, पहले जो 4 हुआ करता था अभी 7 बीट्स हैं, लेकिन फिर भी ये सिंक नहीं है क्योंकि इसका जो टेम्पो है वो 180 है, और एफएल स्टूडियो का जो टेम्पो है 123 है। इसको अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो धीरे धीरे 180 में जाके ये पूरी तरह से सिंक हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लूप्स के अंदर ये टेम्पो मार्किंग्स नहीं रहता है। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि आपको ये जो लूप है
यहाँ पे कितने सारे बार्स हैं वो काउंट करना है। आप काउंट करिए पहले, 1 बार, 2 बार्स, 3 बार्स, 4 बार्स। अभी मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। अभी आप यहाँ पे जो मोड है इसको आप स्ट्रेच प्रो कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ। अभी यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके 4 बार्स करना है, तो ये ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। अभी देखिए मेट्रोनोम के साथ ये ब्यूटीफुली सिंक अप हो जाएगा। मान लीजिए इसके बाद टाइम सिग्नेचर चेंज कर देना है, वो अगर करना है तो कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ब्रिंग 1 3/4 व्हिच इज दादरा। तो इसको अगर मैं यहां पे मैं ड्रैग करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि टेम्पो भी इसका मैच नहीं कर रहा है और इसका टाइम सिग्नेचर भी मैच नहीं कर रहा है। अगर मैं यहां से प्ले करता हूं, अभी मैं कोशिश करता हूं कि इसका जो टाइम सिग्नेचर है उसको पहले चेंज करने का। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले कर्सर यहां पे लाना पड़ेगा जहां पे आपका टाइम सिग्नेचर चेंज होगा, फिर यहां पे मेनू में जाना है, फिर जाना है आपको टाइम मार्कर्स में, और यहां पे आपको जाना है ऐड टाइम सिग्नेचर चेंज। तो यहां पे आप सेट कर सकते हैं अभी आपको क्या टाइम सिग्नेचर में जंप करना है। दादरा जो ताल है इसको हम 3/4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6/4 से भी कर सकते हैं। सो आई विल टेक 3/4 फॉर सिंपलिसिटी, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेन ऐड हो चुका है मार्कर्स के लिए, और यहाँ से ये 3/4 हो चुका है। अभी देखिए 5 से लेके 6 के बीच में सिर्फ 3 ही बीट है, 6 से लेके 7 के बीच में सिर्फ 3 ही बीट है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा है। आप अगर यहाँ पे फोकस करते हैं, यहाँ जहाँ पे ये खत्म हो रहा है ये वाला लूप, ये देखिए अगर आप यहाँ पे अभी डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे मोड चेंज करते हैं, स्ट्रेच प्रो करते हैं, और यहाँ पे राइट क्लिक करके 4 बार्स करते हैं, तो भी आप देखिए कि ये प्रॉपरली चेंज नहीं हो रहा। सो आई थिंक दिस इज अ बग इन FL Studio, जहां पे यहां पे अगर टाइम मार्कर देके मैं टाइम सिग्नेचर चेंज करता हूं, इंटरनली इसका जो ऑडियो फाइल का जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज नहीं हो रहा है। ये फिर भी जो इनिशियल टाइम सिग्नेचर है 7/4, 7 बिट्स को लेके ये बार बना रहा है। तो आप यहां पे अगर काउंट करेंगे तो 7 × 4 28 बिट्स में जाके ये सिंक कर रहा है। अब दैट इज नॉट आवर इंटेंशन, तो हम लोगों को ये 8 बार में फीट कराना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे ये सिंक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्ट्रेच में जाइए और इसको ऐसे पकड़ के आप बस यहाँ पे लेके आइए। नाउ ये पूरी तरह से सिंक हो चुका है, आप सुन सकते हैं इसको। अभी 7/4, चार बार 7/4 चलेगा, देन 3/4। ये तो हो गया टाइम सिग्नेचर चेंज। अभी अगर टेम्पो भी आपको इसके साथ चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो टेम्पो को अगर चेंज करना है तो फर्स्ट आई विल सजेस्ट कि आप टूल्स में जाइए, यहां पे मैक्रोज में जाइए, और यहां पे स्विच ऑल ऑडियो क्लिप्स टू रियल टाइम स्ट्रेचिंग में आप चेंज कर दीजिए। ये वाला पॉपअप आएगा, आप ओके कर दीजिए यहां पे। अभी ये कर देने से क्या होता है कि कोई भी टेम्पो आप दीजिए प्रोजेक्ट में, कहीं पे भी कुछ भी चेंज करिए, ये ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा उसको। इसको आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक टेम्पो ऑटोमेशन ट्रैक इंसर्ट करता हूँ। वैसे भी आप चाहते हैं तो कोई भी टेम्पो यहाँ से सेट कर सकते हैं, ये पूरी तरह से सिंक अप रहेगा। अभी यहाँ पे करते हैं क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। नाउ अभी देखिए इसको शुरू करते हैं स्लो टेम्पो से और यहां तक लेके जाते हैं, राइट क्लिक एट 1 पॉइंट और वापस इसको शुरू करते हैं कम टेम्पो से और इसको लेके जाते हैं ऊपर की तरफ। तो अभी देखिए क्योंकि मेरा ये यहां पे स्ट्रेच प्रो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच सिलेक्ट किया हुआ है, मैं कोई भी टेम्पो में इसको प्ले करूं ये 7/4 धीरे 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 इसका टेम्पो बढ़ेगा, लेकिन ये फिर भी सिंक्ड रहेगा, और धीरे धीरे 3/4 का भी टेम्पो बढ़ेगा, ये फिर भी सिंक्ड रहेगा। हैव अ लिसन, 131 पे शुरू हुआ था शायद, धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी कम हो गया, 126 से शुरू हुआ था, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है,
अगर आपको बीच में कहीं पे सेम रखना है तो यहाँ पे आप और एक इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको कॉपी वैल्यू करिए और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। सो यहाँ तक वॉल्यूम, यहाँ तक जो टेम्पो है वो चेंज होगा, फिर यहाँ पे जाके वो सेट कर जाएगा। ऐसा करके आपके प्रोजेक्ट में कोई भी चेंज हो, टाइम सिग्नेचर चेंज हो, टेम्पो चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, आप डेफिनेटली ये सब कर सकते हैं। वैसे की सिग्नेचर चेंज के बारे में क्या आपको पता है कि की सिग्नेचर चेंज होता है, या फिर उसका कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं क्या? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसे कौन से गाने हैं जहाँ पे की सिग्नेचर, स्केल या फिर रूट की चेंज होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। यहाँ पे जो लूप्स मैं यूज कर रहा था, दोज आर कमिंग फ्रॉम द S9 लूप्स। अगर आपको ये सारे लूप्स परचेज करना है, आप जा सकते हैं studio9music.production/shop में। यहाँ पे बहुत सारे फ्री लूप्स आपको मिल जाएंगे, गिटार लूप्स, तबला लूप्स, यूकेलेले लूप्स, बहुत सारे फ्री लूप्स हैं। और अगर आप इसका हायर वर्जन परचेज करना चाहते हैं वो भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कम दाम में है। अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है तो फिर आप जा सकते हैं Studio9 म्यूजिक प्रोडक्शन S9 एकेडमी पेज में। S9 एकेडमी पेज में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे कोर्स रिलेटेड जितनी सारी डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएगा। रॉक स्कूल से अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है ऑन म्यूजिक प्रोडक्शन फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 8 वो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। या फिर क्रैश कोर्स, एडवांस कोर्स, शॉर्ट कोर्सेज आर अवेलेबल इफ यू वॉन्ट टू लर्न म्यूजिक प्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए आप ये जो ट्यूटोरियल्स आपकी स्क्रीन में अभी आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं। अगर आपको FL Studio के एडवांस ट्यूटोरियल पसंद है, आई थिंक ये वाले ट्यूटोरियल्स आपको बहुत पसंद आएंगे।